दिव्या शर्मा, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम प्रश्नकाल में। आज के हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर स्वर्णलता शर्मा जी, जिन्हें साल 2014 में राष्ट्रपति द्वारा प्रेसिडेंट अवार्ड से नवाजा गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा भी उन्हें मलाला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि महिला शिक्षा एवं सुरक्षा अभियान के तहत उन्हें दिया गया है। इसके अलावा मिसेस शर्मा 28 सालों से शिक्षण कार्य से जुड़ी हुई है और गणित जैसे विषय से जुड़ी हुई है, जिसे माना जाता है कि गणित जैसा कठिन विषय का महिलाओं से दूर तक कोई नाता नहीं है। आज इसी विषय पर हम मिसेस शर्मा से बातचीत करेंगे। सबसे पहले मिसेस शर्मा, आपका स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। थैंक यू। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि मैम, आप एनसीईआरटी में बतौर विशेषज्ञ शामिल हैं और आप किस तरह से इस कठिन विषय के प्रति छात्रों को अवेयर कराती हैं और किस तरह से छात्रों को इसके प्रति रुझान करवाती हैं? जी, एनसीईआरटी में हमने 16 किताबें तो छप चुकी हैं और कुछ अभी छप रही हैं, जिसमें हमने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। एक्चुअली क्लासरूम सिचुएशन में जिस टाइप के बच्चों को डाउट्स आते हैं, जो मिसकंसेप्शंस फॉर्म होते हैं, उन सबको ध्यान में रख करके किताबों में मटेरियल तैयार किया जाता है, स्टडी मटेरियल, और वो बच्चों के लिए ज़्यादा लाभदायक होता है। उसमें हमने सोर्स बुक ऑफ असेसमेंट बच्चों के लिए बनाई है, टीचर्स ट्रेनिंग मैनुअल बनाई है, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स बनाई हैं और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के लिए भी काफ़ी पुस्तकें बनवाई हैं। अच्छा मैम, जैसा मैम आपने बताया कि आपने कस्तूरबा गांधी विद्यालय के लिए भी और एनसीईआरटी के लिए इतनी सारी बुक्स में हेल्प की है, तो मैम कस्तूरबा गांधी विद्यालय की आप मुझे बता सकते हैं कि किस टाइप के आपने खास योगदान रहा या कुछ क्या नया करने की आपने कोशिश करी मैम? बिल्कुल, ये एक ब्रिज कोर्स था जिसमें जो ड्रॉप आउट लड़कियाँ होती हैं, जैसे गाँव में दूसरी तीसरी क्लास के बाद में लड़कियों को घर बैठा लिया जाता है या स्कूल में नहीं भेजा जाता पढ़ाई के लिए, तो अब गवर्नमेंट ने लैटरल एंट्री कर दी है, जिससे कि बच्चा डायरेक्टली अगर 6th क्लास में आके एडमिशन मांगता है तो उसको हमें मना नहीं करना है, उसको हमें 6th क्लास में पढ़ने के लिए परमिशन दे देनी है। अब 6th क्लास में बच्चा आएगा और 3rd क्लास में वो पढ़ाई छोड़ चुका है, तो उसके लिए ब्रिज कोर्स डेवलप किए गए हैं, जिससे कि बच्चा 1st से लेके 5th तक जितना उसको गणित आना चाहिए या साइंस आनी चाहिए, उसके लिए स्पेशली ये बुक्स डिज़ाइन की गई हैं, जो बहुत ही लाभदायक है। बच्चा उसको पढ़ करके और आएगा तो 6th क्लास में वो आराम से पढ़ पाएगा। अच्छा मैम, 6th क्लास में जैसे आपने बताया ब्रिज कोर्स पढ़ने के बाद वो इजीली जो 6th क्लास का मैथ्स है उसको कवर कर पाएगा जी। लेकिन मैम, ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जो बच्चों के मन में ना एक गणित को लेकर हवा बैठा होता है, अरे गणित की क्लास है, पता नहीं मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, अरे मैम ने तो क्वेश्चन दिए, पता नहीं मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, अरे आज तो ये सवाल है, आज ये नया चैप्टर है, बड़ा टफ होता है, हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा ईजी हो, तो ये जो डर है गणित को लेकर एक मैथ्स का नाम का हवा होता है, तो वो कैसे दूर कर सकते हैं बच्चों? आप बिल्कुल सही कह रही हैं, गणित को लेकर के बच्चों के मन में, इवन पेरेंट्स के मन में मैंने कई बार देखा है कि एक मैथ्स फोबिया होता है। ये फोबिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत ही आसान है, अगर इसको रुचि से पढ़ाया जाए, इंटरेस्ट लेकर के टीचर उसको टीचिंग एड्स की हेल्प से, प्लेवे मेथड से, एक्टिविटी करा करके अगर बच्चों को पढ़ाता है, तो ये कभी भी बच्चे के मन में किसी भी तरीके का डर उत्पन्न नहीं होगा, है ना। टीचर बहुत इंटरेस्ट से उसको समझाए और इस बात का ध्यान रखे कि बच्चा पार्टिसिपेट करे कोई भी क्लास में, या तो क्वेश्चन पूछने में पार्टिसिपेट करे, एक्टिविटी परफॉर्म करने में पार्टिसिपेट करे, अगर बच्चा पार्टिसिपेट करेगा तो उसकी लर्निंग जरूर होगी। ओके मैम, आपने बहुत अच्छा बताया कि हमें इस तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। एक चीज़ और, जैसे अगर हम बच्चा करता है तो जब उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो उसे आगे भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसी चीज़ को सोचते हुए आज हम देखते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी जो है गणित एक कंपल्सरी सब्जेक्ट है, उस चीज़ को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे मैम? हाँ, इस सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस बहुत है और बच्चा शुरू से ही अगर इसको प्रैक्टिस करेगा, कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी होती है। अगर बच्चा 3-4 दिन स्कूल नहीं आता है तो 5वें दिन उसको समझ में नहीं आएगा उसको स्कूल में टीचर क्या पढ़ा रहा है, क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूटी चैप्टर्स की बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, वो अगर ब्रेक हो जाती है तो उसको बहुत दिक्कत आती है, इसलिए बच्चा प्रैक्टिस करता रहे। अगर बच्चा प्रैक्टिस करेगा तो उसको हमेशा मैथमेटिक्स आसान लगेगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। होता ये है कि बच्चा
रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करता, वो सोचता रही ये तो बहुत आसान है, मैडम ने करा दिया या टीचर ने क्लास में समझा दिया और मैं एक दिन बैठ करके पूरा रिवाइज कर लूँगा, जो पॉसिबल नहीं हो पाता। और बच्चे को एग्जाम टाइम में बहुत दिक्कत आती है, एज अ रिजल्ट वो फोबिया डेवलप हो जाता है, स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, पेरेंट्स भी टेंशन में आ जाते हैं, बच्चा भी टेंशन में आ जाता है और वो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। अगर बच्चा रेगुलरली प्रैक्टिस करेगा उसको कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा और वो अपने डाउट्स भी समय समय पे अपने टीचर से या फ्रेंड से पूछ पाएगा। मैम, एक टेक्नो फ्रेंडली टीचर की आज के टाइम पर क्या ज़रूरत है, कितना ज़रूरी है टीचर का टेक्नो फ्रेंडली होना? ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा। आजकल इतनी सारी वेबसाइट्स हैं और आपके पास इतने सारे मॉड्यूल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो और टीचिंग को बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हो। जैसे मैथमेटिक्स में जियोजेब्रा है, जियोजेब्रा के हेल्प से हम बहुत आसानी से चैप्टर्स पढ़ा सकते हैं, जो हम बच्चे को कल्पना करने के लिए कहते हैं अब उसको कल्पना करने की ज़रूरत नहीं है, अब वो जियोजेब्रा एप्लेट से वो देख सकता है, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री स्टडी कर सकता है और वो इंटरेस्टिंग हो जाता है। इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, बच्चे को अगर हम सजेस्ट करें कि वो अपने आप देखे, क्योंकि आजकल बच्चे टेक्नोलॉजी के इतने वो हैं, मतलब फ़ैन हैं, हम हर बच्चे के हाथ में आप मोबाइल देखोगे, आप देखोगे कि वो अपडेट रहता है फेसबुक पे भी और व्हाट्सएप पे भी। तो अगर उसको ये बता दिया जाए, कंस्ट्रक्टिव यूज़ बता दिया जाए, तो बच्चा उन ऑनलाइन सर्विसेज को यूज़ करके अपनी एजुकेशन को और इजीली ग्रहण कर सकता है ना। और टीचिंग एड्स वगैरह यूट्यूब वगैरह पे भी वो देख करके आसानी से समझ सकता है, तो उसके लिए एजुकेशन और आसान हो जाएगी। तो ये टीचर को अगर पहले पता होगा तभी तो वो बच्चे को बता पाएगा। बिल्कुल मैम, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन ये जिस तरह से आपने बताया कि हम यूट्यूब पर और फेसबुक पर और इन सब चीज़ों पर आजकल बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए, हम उनका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैम एक बात मेरे मन में ये भी उठ रही है कि क्या ये जो एप्लीकेशन है और ये जो टेक्नोलॉजी है, इनकी जगह, मतलब शिक्षक की जगह ये टेक्नोलॉजी और ये एप्लीकेशन ले सकती है? नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा ये डिफर हूँ। यहाँ पर टीचर का इम्पोर्टेंस तो हमेशा ही बना रहेगा, टीचर गाइड के रूप में, मेंटर के रूप में हमेशा, और क्लासरूम में ब्लैकबोर्ड मेथड जो है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उसको हम सपोर्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। आई थिंक वो टीचर उतने समय में 40 मिनट में इतने अच्छे फिगर्स बोर्ड पे बना के नहीं दिखा सकता, समझा सकता, जिससे कि वो इंटरैक्टिव स्मार्ट क्लासेस में वो कर पाता है। बिल्कुल मैम, आपने जैसे बताया कि हम इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं 40 मिनट्स में इजीली, तो आप जो आज के टाइम पर शिक्षक हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें इसका यूज़ कैसे करना चाहिए, किस तरह से वो ज़्यादा इसको इफेक्टिव बना सकते हैं अपनी टीचिंग को? हाँ, वो भी सबसे ज़्यादा उसको अपने आप को अपडेट करें, अगर वो अपडेट नहीं करेंगे तो वो आउटडेटेड हो जाएंगे। दे मस्ट ट्राई टू लर्न, नई टेक्नोलॉजी सीखें, और बहुत आसान है उसको सीख करके और फिर अपने आप पहले उसको स्टडी करें, देखें, और फिर जैसे ही जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैटर होती है वो आप बच्चों को भी बता सकते हैं, अपने ओन टीचर्स को, कोलीग्स को भी डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं। इवन आपके वर्कशीट्स वगैरह जो बने हुए हैं आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि बच्चा जा करके उस वेबसाइट पे और वो उनको सॉल्व कर सकता है और आप उसको फिर गाइडेंस के रूप में समझा सकते हैं। बिल्कुल मैम, जैसा कि हम देख सकते हैं कि मिसेस शर्मा हमारे लिए समझाने के लिए हमें भी यहाँ पर कुछ टीचिंग एड्स लाई हैं, तो मैम मैं चाहूँगी कि आप हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो दर्शक हैं, उन्हें ये बताएं कि किस तरीके से एक अच्छा शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री का शिक्षण के समय प्रयोग कर सकता है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। एक्चुअली टीचिंग एड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टीचिंग इन द क्लासेस, अगर हम इनको यूज़ करें तो हमारी टीचिंग बहुत इंटरेस्टिंग बन जाती है और बच्चे बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं और समझते हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर हम टीचिंग यूज़ को इफ़ेक्टिवली यूज़ करें तो बच्चा वो कॉन्सेप्ट जीवन भर नहीं भूलेगा, क्योंकि अगर उसने थ्योरम रटा है तो वो रटने के बाद में उसका थ्योरम जीवन में कहीं काम नहीं आएगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो उसके हमेशा जीवन में साथ देगा। मैं आपको यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ बताती हूँ और टीचर्स से भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो क्लास में तैयारी से जाएं, तो मेरा विश्वास है कि बच्चे सब्जेक्ट को प्यार से पढ़ेंगे और फोबिया भी दूर हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि एरिया ऑफ अ सर्कल में आर फॉर्मूला डिराइव करना बताऊंगी। हमने बच्चों को डायरेक्टली कह देते हैं उसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर है,
में पाया स्क्वायर क्यों है ना, हाउ इट इज पाया स्क्वायर, वी शुड टेल देम। अगर वो समझ जाते हैं फिर वो डिनाई नहीं करेंगे इसको, और वो हमेशा से लर्न करेंगे, कॉन्सेप्ट को सीखने की इच्छा रखेंगे। इसमें हमने क्या किया है कि ये एक सर्कल हमने ली जिसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर्स। अब हमने धागा लिया और धागे से उस पूरे हिस्से को कवर करा। आप देखिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनी हुई है, पहला ये आउटर लेयर है, फिर अंदर में फिर एक और आ गया थ्रेड, ऐसे हमने पूरे को थ्रेड से कवर कर दिया। अब इन्हीं थ्रेड्स को हमने उतनी ही लेंथ का थ्रेड हमने नीचे यहाँ पे लगा दिया, और अंदर वाली जो थ्रेड की लेयर है वो उसके ऊपर लगा दी। इस तरीके से हमने पूरे ट्रायंगल को भर दिया, जो अंदर वाला गोल हिस्सा है वो सबसे ऊपर आया है। इस तरीके से हमने देखा कि ये जो बाहर का सर्कमफ्रेंस है वो बेस के बराबर हो गया, ये 2πr बेस के बराबर हो गया, और ये जो रेडियस है वो हाइट हो गया ट्रायंगल का। तो हम ये बच्चों को बता सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल के बराबर है। इंटरेस्टिंग है ना, देखिए कैसे, इट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस क्या था हमारा, जो ये पूरा सर्कमफ्रेंस है वो है 2πr इंटू आर, हाइट आर के बराबर है यहाँ पे, क्योंकि हमने इसकी ये रेडियस सेम लिया है, तो ये 2πr इंटू आर। अब आप देखिए ये टू से कैंसिल हो गया, हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर। इस तरीके से हमने देखा कि एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। इस तरीके से हम रोचक बना सकते हैं, और विश्वास मानिए अगर हम प्रिपेयर होकर के क्लास में जाएंगे तो बच्चा आपकी इंतजार करेगा कि आज मैडम ने आकर के हमें क्या नई चीज सिखानी है, हमें क्या नया पढ़ाना है, और हमें कैसे उनसे सीखना है। इस तरीके से मैथ्स फोबिया उनको रहेगा ही नहीं, बच्चा बहुत इंटरेस्ट से पढ़ेगा। थैंक यू मैम, आपने बहुत ही अच्छे और बहुत ही इजी वे में बताया कि पाई आर स्क्वायर ही क्यों होता है। मैं ये कहना चाहूँगी, मुझे भी जब मैं बच्ची थी मुझे भी गणित का फोबिया था, लेकिन काश अगर आप मुझे बचपन में इस तरह से पढ़ाया होता तो मुझे भी गणित का फोबिया नहीं रहता। लेकिन एक चीज़ और है, जो हमारा जो सामाजिक परिवेश है वो वास्तविकता से कोसों दूर है। ये जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब एक शिक्षक को प्रशिक्षित किया जाता है तो शिक्षण सहायक सामग्री पर बहुत जोर दिया जाता है कि एक शिक्षक को शिक्षक सहायक सामग्री ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। लेकिन वास्तविकता में क्या होता है कि शिक्षक इसका यूज़ नहीं करते, क्लास में जाते हैं पढ़ाते हैं और आ जाते हैं, कोई इंटरेस्टिंग भी नहीं है। तो ऐसा क्यों है कि वास्तविकता से तो दूर है लेकिन जब प्रशिक्षित किया जाता है तब ऐसा ज़रूरी होता है? नहीं, ये बिल्कुल आपने सही कहा, टीचिंग एड्स का बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर हम टीचिंग एड्स यूज़ करते हैं तो बच्चे को कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आता है। मैथमेटिक्स को ड्राई सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम इनको हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ के थ्रू कराएं और टीचिंग एड्स यूज़ करके कराएं तो सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग और ईजी बन जाता है। ये मैं आपको टैनग्राम पसल करके दिखाऊंगी। ये एक ऐसा चाइनीज पजल है जिसमें हम 2500 से ज़्यादा डिफरेंट शेप्स और स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, ज्योमेट्रिकल रूल्स भी सीख सकते हैं, हम इससे फ्रैक्शंस भी सीख सकते हैं, एरिया और पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट भी सीख सकते हैं। ये देखिए, हम ये ट्रायंगल पजल में 7 पीसेस होते हैं, 5 ट्रायंगल्स होती हैं, एक स्क्वायर और एक पैरेललोग्राम। हम इनको कैसे अरेंज करेंगे, ये देखिए, ये हमारी क्या शेप बन गई, ये बन गया एक स्क्वायर। बच्चा ये बना करके देख सकता है कि ये स्क्वायर बन गया। इन्हीं 7 पीसेस से अब हम बनाएंगे ट्रायंगल। इससे हम बनाएंगे एक रेक्टेंगल।
ये देखिए, हमने देखा कि हमने एक स्क्वायर, ट्रायंगल और रेक्टेंगल इन्हीं 7 पीसेस से बना लिया। इसमें और बच्चे को और भी प्रोजेक्ट दिया जा सकता है कि जैसे हम इसका एरिया निकालें या हम पेरीमीटर निकालें। पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स। इस तरीके से अगर हम बच्चे को एक प्रोजेक्ट दे देते हैं और उसमें टाइम लिमिट भी फिक्स ना करें, हम उसको दे दें 2 महीने 3 महीने टाइम दे दें कि रोज बच्चा उससे अलग अलग पिक्चर्स बनाए, फिगर्स बनाए, इससे लैम्प बना सकता है बच्चा, अलग अलग जानवर बना सकता है, ABCD अल्फाबेट्स के स्ट्रक्चर्स बना सकता है। इस तरीके से ये बहुत ही अमेजिंग टीचिंग एड है विच कैन बी यूज इन द क्लास। थैंक यू मैम, आपने ये जो एक और हमें दिखाई एक्टिविटी करके, ये वाकई बहुत पावरफुल है, बच्चों को पढ़ाने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। लेकिन अगर ऐसा, थैंक यू मैम, जो आपने अभी हमें एक्टिविटी करके दिखाई है, ये वाकई बहुत पावरफुल है और बहुत ही यूजफुल है क्लासरूम के लिए। अगर वास्तविकता में शिक्षक इसे करके दिखाएं तो मैं चाहूँगी कि वाकई में जो हमारे शिक्षक हैं ये मैम के सुझाव माने और इसे करके दिखाएं। लेकिन इसके अलावा मैम एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि शिक्षण का जो व्यवसाय है आज व्यवसाय बन चुका है, अगर इसमें किसी को अपना करियर बनाना है, कोई शिक्षक बनना चाहे, तो उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है, उसे क्या करना चाहिए? टीचर को पहले तो पैशन होना चाहिए पढ़ाने के लिए, है ना। अगर उसको पैशन होगा तभी वो बच्चे को पूरा टॉलरेंस रख के, पेशेंस रख के और बच्चे की मतलब गहराई तक जा करके उसे समझा पाएगा। एक बच्चे की आंखों में एक स्पार्क नजर आती है, अगर वो समझ जाता है कॉन्सेप्ट को तो बड़ा खुश होता है कि हाँ मुझे ये समझ में आ गया। अगर टीचर ने ये ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया तो शायद वो एक सफल टीचर बन पाएगा। जैसे मेरा भी एक सपना है अब अवार्ड, नेशनल अवार्ड लेने के पश्चात, कि मैंने अपनी वेबसाइट डिज़ाइन की है। जैसे आपको पता है मुरादाबाद एक स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, तो मेरा सपना ये है कि मैं केवल 40-45 बच्चों को क्लास में ना पढ़ा करके कम से कम 30-40 हज़ार बच्चे एक साथ पढ़ा पाऊँ। उसके लिए मैंने एक वेबसाइट डिज़ाइन की है, swarnmaths.com। उस पे बच्चे अपना फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, टीचर्स भी लॉगिन कर सकते हैं, और उसमें जो मैंने टीचिंग एड्स डेवलप की हैं, वर्कशीट्स डेवलप की हैं, वीडियोस डेवलप की हैं NCERT के साथ मिलकर के, वो सब हमने अपलोड कर देनी है उसके ऊपर। काफ़ी तो मैंने कर भी दी हैं, जिससे कि टीचर्स भी और बच्चे भी लाभ उठा पाए। उसमें बच्चा जिस टॉपिक में डाउट है उसको समझना चाहता है वो उसमें एक रिक्वेस्ट भेजता है और उसको हम देख करके कोई भी टीचर उसकी क्वेरी को सेटल भी कर सकता है। और अगर वो रिक्वेस्ट करता है कि मैडम मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो हम उससे फिक्स करके स्काइप के थ्रू उसको समझा भी सकते हैं। तो ये मेरा एक सपना है एंड आशा करती हूँ कि बहुत जल्दी इसको मैं पूरा भी करूँगी। बिल्कुल, हम भी ये उम्मीद करेंगे और प्रे करेंगे कि आपका ये सपना जल्द से जल्द पूरा हो सके, 40,000 बच्चों को एक साथ पढ़ाएं और सबसे बड़ी बात है कि उनके मैथ्स के फॉर्मूला को दूर करें। इसके अलावा मैम, आपने जैसा बताया कि इस तरीके से होने चाहिए उसके अंदर को, और इसके अलावा मैं ये जानना चाहूँगी शिक्षक बनने के लिए, ये तो रही बात शिक्षक कैसे बन सकते हैं, लेकिन एक शिक्षक होने के बाद उसके जो गुण होते हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, वो क्या क्या होने चाहिए? एक शिक्षक को पहले तो बहुत ही सहनशील होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए, एंड टीचर शुड बी पंक्चुअल ऑल्सो, और बच्चे के साथ में एक फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए, पूरी तरीके से बच्चे को समझे, एक तरीके से बच्चे को गोद ले ले। जब वो अपने बच्चे का रूप उसमें देखेगा तभी शायद उसको सही तरीके से पढ़ा पाएगा, है ना। तो टीचर को एक बहुत ही ऐसी छवि उसकी होनी चाहिए जिससे कि बच्चा उनसे डरे ना, सामने आकर के उनसे अपने डाउट्स पूछे और जो भी अपने मन की बात है वो टीचर को कह पाए। आपने देखा होगा टीचर को शायद बच्चा माँ से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे बैठता है, वो कहता है मम्मी ये मेरी मैम ने ऐसे कराया है और यही ठीक है, है ना। तो इसका शायद टीचर को इस बात का ध्यान में रखते हुए और उसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ाना चाहिए, क्योंकि टीचर्स आर द बिल्डर्स ऑफ नेशन। जैसा टीचर पढ़ाएगा वैसा ही बच्चा आगे बनेगा। तो टीचर के हाथ में सब कुछ होता है, माँ जन्म देती है लेकिन टीचर शायद उसका जीवन बनाती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट ड्यूटी है टीचर्स की और उसे ध्यानपूर्वक निभानी चाहिए।
सबसे पहले जैसा आपने बताया कि इम्पोर्टेंट ड्यूटी है उसे निभानी चाहिए, एक चीज़ और देखने में आ रही है कि आजकल जो है पहले जैसा व्यवहार नहीं रहा है और इतना कोऑर्डिनेशन नहीं रहा है टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में। जैसे पहला होता था कि हम कहते थे कि गुरु के जो पैर है उसमें स्वर्ग दिखाई देता है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म। आज जो सभ्यता है, जो भारतीय सभ्यता है, वो कहीं लुप्त होती नज़र आ रही है। आज गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो कहीं छूटता सा नज़र आ रहा है। ऐसा दिख रहा है कि पाश्चात्य संस्कृति हावी होती जा रही है इस रिश्ते पर भी, जो कि बहुत ही खूबसूरत रिश्ता रहा है भारतीय सभ्यता में। उसके लिए मैम आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हो, हमने भी देखा है जब हम पढ़ाते थे 28 साल पहले के बच्चे जो हम पढ़ाते थे, आज शायद उस टाइप के बच्चे नहीं हैं। पहले बच्चा बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करता था और पास हो जाता था तो बड़े खुश होकर के एकदम पैर छूने के लिए आता था। अब भी बच्चे हैं लेकिन उनकी संख्या बहुत कम हो गई है ना। पहले टीचर को बिल्कुल भगवान का रूप ही माना जाता था, लेकिन अब शायद दोनों ही तरफ से बच्चा भी इतनी रेस्पेक्ट नहीं देता है और टीचर भी शायद उसको प्रोफेशनल तरीके से डील करता है, उनको शायद पर्सनल अटैचमेंट नहीं रहता बच्चे से। गए क्लास में, उन्होंने लेक्चर दिया, पढ़ा दिया एंड रिजल्ट आ गया, तो इट हैज़ बिकम वेरी यू नो प्रोफेशनल टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। वो अपनेपन की भावना शायद कहीं कम होती जा रही है और मेरा मानना है कि शायद इसी को थोड़ा सा डेवलप करें तो मॉरल वैल्यूज़ भी इंक्रीज होंगी और बच्चा अच्छे से ज्ञान भी प्राप्त कर पाएगा और अच्छा सिटीजन बन पाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, हालांकि इस बात का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन जैसे आपने कहा कि पहले 28 साल पहले जो स्टूडेंट थे वो और थे और जो आज के हैं वो और हैं। 28 साल पहले अगर हम देखें तो जो कक्षाएं होती थी गणित की वो बिल्कुल अलग होती थी। श्री मास्टर जी जब गणित पढ़ाने आ रहे हैं तो बच्चों को ना दे दिया है पहाड़े सुनने के लिए और उसके बाद अगर नहीं सुनाया तो मुर्गा बना दिया। लेकिन आज हालात बिल्कुल उससे अलग हो चुके हैं। आज स्मार्ट क्लासेस की सुविधा है, इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी अगर देखा जाए तो शिक्षा का स्तर कम हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? इतने टेक्नोलॉजी आ गई है और पहले से ज़्यादा स्मार्ट टीचर्स हैं हमारे पास और पहले से ज़्यादा प्रोफेशनल टीचर्स हैं, उसके बावजूद भी शिक्षक का मतलब जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसमें बहुत ही कमी आई है, ऐसा क्यों? ये बिल्कुल सही कह रहे हो। एक्चुअली कॉर्पोरल पनिशमेंट तो बिल्कुल बैन हो गया है, हम बच्चे को छू भी नहीं सकते हैं और छूना छोड़िए हम उसको इमोशनल हरासमेंट जिसको कहते हैं, इसका भी हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कभी हमने गुस्से में क्लास में अगर बच्चे को डांट दिया और घर में जा करके उसने कोई गलत कदम उठा लिया तो टीचर का तो जीना हराम हो जाएगा। इसलिए टीचर को ये सब चीज़ें ध्यान में रख करके प्यार से केवल पढ़ाना होता है ना। कुछ लिमिटेशंस हो गई हैं, पेरेंट्स भी, बच्चे एक या दो होते हैं घर में, पेरेंट्स भी नहीं चाहते कि उनके बच्चे को कोई मारे या डांटे, है ना। इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है पहले से और अब में। पहले तो मास्टर जी खूब पिटाई करते थे, बच्चा डरता था, अब नाउ इट इज़ जॉयफुल लर्निंग, इट इज़ नॉट लर्निंग अंडर स्ट्रेस, है ना। इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आया है, जबकि फैसिलिटीज इतनी सारी हैं, है ना। आपका कहना बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड डाउन हुआ है एजुकेशन का। इसके अलावा मैं जानना चाहूँगी कि आप हमारे जो मुरादाबाद के शिक्षक हैं और जितने भी हमारे दर्शक हैं जो आपको देखेंगे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं बस यही मेरा संदेश है कि हमें टीचर्स के ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी है और हमें इस प्रोफेशन को प्यार से अडॉप्ट करके हर बच्चे को अपना समझ के और मन से पूरे ध्यान से विद द हेल्प ऑफ टीचिंग एड्स पढ़ाना चाहिए। कभी भी बच्चे को मारना नहीं चाहिए, डांटना नहीं चाहिए। जब भी उसमें थोड़ा सा डर या खौफ पैदा होगा तो वो उस दिन से ही पढ़ाई छोड़ देगा। इसलिए हमें बड़े प्यार से उसको अपना समझ के और लगन से पढ़ाना चाहिए और क्लास में जाने से पहले पहले खुद पढ़ के जाना चाहिए। हम कितने ही ज्ञानी क्यों ना हो, जब तक हम कंटेंट को दोबारा से नहीं पढ़ेंगे, क्लास में जाने से पहले नहीं देखेंगे, हम कहीं ना कहीं जरूर चूक सकते हैं। इसलिए हमें अपनी पूरी तैयारी से क्लास में जाना चाहिए और बच्चे को पूरा ध्यान से सुनना चाहिए। अगर वो किसी समस्या के साथ आता है तो हमें उसको डांट के नहीं दूर भगाना है, हम उसे पास बुला करके ध्यानपूर्वक उसकी सब बातें सुनेंगे तो मेरा मानना है कि वो जरूर आपकी बात मानेगा, है ना।
बिल्कुल, ये तो मैम आपने जो संदेश दिया ये वाकई बहुत ही लाभप्रद है हमारे शिक्षकों के लिए। एक छोटा सा संदेश मैम मैं ये भी चाहूंगी कि आप जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी आप दें, ताकि उन्हें भी मैथ्स का जो हवा है, जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ, उससे दूर हों और जो शिक्षकों के साथ में कोऑर्डिनेशन है, अटैचमेंट है, वो ज़्यादा बिल्डअप कर सकें। बच्चों के लिए मैं ये बताऊंगी कि मैथमेटिक्स का नेचर, सब्जेक्ट का नेचर कुछ डिफरेंट है बाकी सब्जेक्ट से। इस सब्जेक्ट में आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए और लगातार आपको इस सब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट बनाए रखना है, और जब भी आपको डाउट्स आए तो आप अपने टीचर से क्लियर करें या अपने फ्रेंड से क्लियर करें। एंड जब तक आपका डाउट क्लियर ना हो तब तक आप शांत ना बैठें। क्यों? क्योंकि वो आगे आपके कहीं ना कहीं रुकावट पैदा कर सकता है, और जैसे ही बहुत सारे डाउट्स इकट्ठे हो जाएंगे तो आप सब्जेक्ट के प्रति फिर डिसलाइक पैदा कर देंगे। इसलिए अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं, प्रॉब्लम है, तो आजकल यू हैव सो मेनी फैसिलिटीज़, आप क्लास में भी पूछ सकते हैं, टीचर से पूछ सकते हैं, या आपको ऑनलाइन सपोर्ट मिलता है उससे भी आप यू कैन टेक हेल्प ऑफ वर्चुअल क्लासेस, और आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं, तो आपके लिए सब्जेक्ट बहुत आसान हो जाएगा और कोई भी डिफिकल्टी एरिया नहीं रहेगा। थैंक यू मैम हमारे साथ बने रहने के लिए। ये थी डॉक्टर स्वर्णता शर्मा, केंद्रीय विद्यालय की गणित की अध्यापिका। फिर मिलेंगे किसी खास शख्सियत के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। थैंक यू।